प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया और उससे बना दिया डीजल और पेट्रोल। क्या हुआ? सुनकर कान खड़े हो गए। ये कोई काला जादू नहीं, बल्कि हमारे ही देश के वैज्ञानिकों का चमत्कार है। जब देश में मौजूद प्रतिभा को गले लगाने वाली सरकार हो तो नतीजे ऐसे ही होते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने सिर्फ ये कमाल की उपलब्धि हासिल ही नहीं की है, बल्कि देहरादून में एक संयंत्र शुरू भी कर दिया है, जहां प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनाया जा रहा है। ये कारनामा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। प्लास्टिक वेस्ट को किस प्रकार से डीजल के अंदर या आवश्यकता पड़ने पर पेट्रोल में या किसी और दूसरे इम्पॉर्टेंट उपयोगी केमिकल में परिवर्तित किया जा सकता है, उसका एक टन कैपेसिटी का आज एक प्लांट जो वर्षों की सफलतापूर्वक की गई रिसर्च के परिणाम स्वरूप देहरादून के आईआईपी के कैंपस में लगाया गया है। देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में रोजाना एक टन वेस्ट प्लास्टिक से 800 लीटर डीजल बनाया जा रहा है। इस संयंत्र को विकसित करने में गेल इंडिया लिमिटेड का भी सहयोग है। यहाँ बनने वाले ईंधन में गाड़ियों में उपयोग होने वाले डीजल के गुण मौजूद हैं और इसका उपयोग कारों, ट्रकों और जनरेटर्स में किया जा सकता है। डीजल के साथ साथ प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने की क्षमता भी विकसित की गई है। आज पॉलियोलेफिन कचरा पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती है। इस संयंत्र में प्लास्टिक के कचरे से इसी पॉलियोलेफिन पॉलीमर को अलग कर डीजल बनाया जा रहा है। प्लास्टिक से डीजल बनाने की ये तकनीक पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। पूरे देहरादून से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट का पहले कलेक्शन किया जाता है और फिर इस संयंत्र में पहुंचाया जाता है। सरकार दिल्ली में भी एक ऐसा प्लांट लगाने की तैयारी में है। इस तकनीक में लगातार सुधार किए जा रहे हैं ताकि प्रत्येक संयंत्र एक दिन में 10 टन प्लास्टिक का उपचार कर उससे डीजल बना पाए। पर्यावरण के बिगड़ते हालात पर कोई दुनिया से हाउ डेयर यू कहता है, तो हमारे वैज्ञानिक अपनी कोशिशों के जरिए पर्यावरण से आई केयर यू कह रहे हैं।